जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में पुलिस के अफसर फोर्स के साथ गश्त कर रहे हैं। अतिसंवेदनशील स्थानों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लखनऊ में शुक्रवार को PAC की 165 कंपनियां और पैरामिलिट्री की 10 कंपनियों ने मोर्चा संभाला है। इसके साथ ही राज्य के हर जिलों में शांतिपूर्वक नमाज अदायगी के लिए सेक्टर स्कीम लगाते हुए पुलिस के आला अधिकारी फील्ड में रहकर गश्त कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वापस अपने घर को लौटे। मस्जिदों में भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। देखिए, जो 10 जून को घटना हो गई थी अटाले में, और अटाला जुमे के नाम से बदनाम हो गया, जबकि बाहरी लोग यहाँ पर क्या करके उत्पात किया था, उससे हम लोग भी शर्मिंदा हैं कि ऐसी घटना कैसे घट गई। लेकिन पिछले जुमे को भी आप लोग क्षेत्र में थे, फील्ड में थे, आप लोगों ने देखा है कि किसी तरीके का कोई बदमजगी नहीं होने पाई। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा किया, अमन चैन की दुआ की गई, और शांतिपूर्ण तरीके से पिछले जुमे को लोग अपने घरों को गए थे। आपकी जुमे को भी लोगों ने मस्जिदों में, शहर की तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और अमन चैन की दुआ की गई। मस्जिदों में वॉलंटियर भी तमाम मस्जिदों में लगाए गए थे, ताकि कोई बाहरी आदमी आकर के किसी तरीके की गड़बड़ी न करने पाए, इस पर भी नज़र रखी गई थी। बहुत अमन चैन से नमाज अदा की गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब 10 जून के भी ना हो पाता ऐसा मामला, लेकिन कुछ उधर से बाहरी लोग आ गए थे, इधर तो हम लोगों ने सभी को रोका था। और अगले जुमे के भी जो है काफ़ी प्रयास रहा, सभी नेतागणों का, हम लोगों का सहयोग था, कोई काम ऐसा नहीं हुआ। अगले जुमे के भी शांति से दुआ तो अपने भारत के लिए मांगा, हमारा देश अमन चैन से गुजरे। हमारा भारत देश तो गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, और इसको हम देशवासियों से कहते हैं, इसको कभी बिगड़ने न दें। आज जब हमारा देश एकता अखंडता के एक कतार में खड़ा रहेगा, तो दूसरा मुल्क आग दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। और एकता अखंडता ही से देश की तरक्की है। विदित हो कि विवादित बयान को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर बीते माह के 2 शुक्रवार को हुए जुमे की नमाज के दौरान कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज समेत कई जिलों में हिंसक घटनाएं हुई थी।